हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मांस धातु। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमने प्रीवियसली वीडियोस में क्या डिस्कस किया था, हमने स्टार्ट किया था धातु और हमारी दो धातु कंप्लीट हो चुकी थी, रस एंड रक्त। आज का जो थर्ड धातु होने वाला है वो होने वाला है मांस धातु पर। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, जैसे कि हमने प्रीवियस धातु में भी सारे पॉइंट ऑल डिटेल्स हमने कवर किया था। सो अब फर्स्ट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं मांस धातु की उत्पत्ति। सो सबसे पहले हमको कोई भी धातु के पे आंसर लिखते वक्त फर्स्टली हमको उसकी उत्पत्ति लिखनी होती है, देन उसके पर्याय ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो पहला पॉइंट है उत्पत्ति। सो यहाँ पे एक श्लोका है, रसाद रक्तम ततो मांसा मांसा ने दस ततो अस्थि च अस्थ्यनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्र गर्भ प्रजायते। सो इसमें क्या बताया गया है कि रस धातु से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है, रक्त धातु से मांस धातु की मेद 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 से अस्थि, अस्थि से मज्जा, तो ये क्रम चलते ही रहता है। इसी श्लोका में ये बताया गया है, रस का जो कुछ अंश होता है वो वायु जल तेज और ऊष्मा से प्रभाव से स्थिर होने के बाद वो घन हो जाता है, उसी को हम मांस कहते हैं। प्रीवियसली जो हम दो धातु डिस्कस किए थे वो दोनों किस रूप में थे, द्रव रूप में थे, रस एंड रक्त। ये सबसे पहला धातु है जो धनत्व को प्राप्त कर मूर्त को ग्रहण करता है और वो घन की उत्पत्ति करता है। सो अब सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं मांस धातु का पर्याय। मांस धातु के कुछ पर्याय हैं, आपको ये इम्पोर्टेंट है, पिशित, तरस, क्रव्य, अमीश और पलल। ये पर्याय है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, पिशित, तरस, क्रव्य, अमीश एंड पलल। ओके, स्क्रीन पर मेंशन हो जाएगा आप लोगों को विद स्पेलिंग। सो नाउ वी विल डिस्कस पंचभौतिक संगठन। पंचभौतिक संगठन में बताया है मांसम पार्थिवियम। मांस धातु में पृथ्वी महाभूत की अधिकता के कारण वो मूर्त रूप को धारण करता है, इसीलिए इसके पंचभौतिक संगठन में मांस पार्थिवियम बताया गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मांस धातु के कर्म। मांस धातु के कर्म क्या बताए, एक श्लोका है, मांसम शरीर पुष्टियम मेदश्च, मतलब मांस धातु जो होता है वो शरीर की पुष्टि करता है, शरीर को बल प्रदान करता है और वो मेद धातु की उत्पत्ति में भी कारण बताया है। तो मांसम शरीर पुष्टम मेदश्च। ओके, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम डिस्कस करने वाले हैं मांसार पुरुष के लक्षण। मांसार पुरुष के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। ये चरक विमान स्थान का श्लोका है, शंख ललाट कृकाटिका अक्षी गंड हनु ग्रीवा स्कंद उदर कक्ष वक्ष पाणी पादस नेओ गुरु स्थिर मांसो उपचिका मांस सारणाम सा सारता क्षमा द्रुति लौलम पित्तम विधाम सुखम आरोग्यम बलम आयुष्य दीर्घम चाचष्टे। ओके, मांसार पुरुष के जो लक्षण होते हैं वो है शंख ललाट कृकाटिका। कृकाटिका क्या होता है, गर्दन का जो पीछे का भाग होता है उसी को हम कृकाटिका कहते हैं। नेत्र कपोल जबड़ा हनु जिसको हम कहते हैं, कंधे में उदर कक्ष और वक्ष हाथ पैर संधियां जो होती हैं वो भारी स्थिर तथा मांस से भरी हुई होती हैं और इनका सारता क्षमा धैर्य धन विधा सुख सरल आरोग्य बल और आयु का निर्देशक बताया गया है। ओके, सभी धातुओं के जो सार पुरुष के लक्षण हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, मांस वृद्धि के लक्षण। आप लोग को पता है जो भी हम धातु अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंटली हमको उसके क्षय और वृद्धि के लक्षण नहीं मिस करना है, बिकॉज ये हमको मार्क्स गेनिंग में बहुत ही हेल्प करता है। एंड जैसा कि आप लोग को पता है, हमारे नॉलेज के लिए भी हमको ये पता होना चाहिए कि किस धातु के क्षय से हमारे शरीर में क्या सिम्टम्स आते हैं और किस धातु की वृद्धि से हमारे शरीर में क्या सिम्टम्स आते हैं, तो उसके क्षय वृद्धि के लक्षण भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उसकी वृद्धि के लक्षण पहले तो पढ़ेंगे। श्लोका कुछ इस प्रकार है, मांसम स्फिग ओष्ठ उरु बाहु जांगा अस्तु वृद्धिम गुरु गात्रम च। इसका अर्थ ये होता है कि जब मांस के शरीर में असामान्य रूप से बढ़ जाने पर हमारे कटी कपोल होष्ठ शिशिन ओरु भुजा जांग अति स्थूल हो जाते हैं और समस्त शरीर में गुरु गात्रम, गुरु गात्रम मतलब समस्त शरीर में हमारे भारीपन हो जाता है, हमको जो होता है हैवीनेस वाली फीलिंग आने लगती है और शरीर में जो भी पार्ट्स मैंने अभी बताए हैं उसमें मांस का जो होता है वो
बढ़ जाता है, अति वृद्धि हो जाती है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, मांस क्षय के लक्षण। मांस क्षय के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, मांसम क्षय विशेषण स्विग ग्रीवो उदर शुष्कता। लाइक हमने अभी मांस वृद्धि में क्या पढ़ा, गुरु गात्रम, मतलब जब बहुत ज्यादा अति वृद्धि हो जाती है तो गुरु गात्रम शुष्कता, मतलब अब ऑफकोर्स जब मांस का किसी जगह से क्षय होगा तो वो कैसा हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, मतलब ड्राई हो जाएगा। तो मांस में शरीर के जो होता है कम हो जाने पर सबसे अधिक प्रभाव जो होता है पेशियों पर पड़ता है। कटी कपाल ग्रीवा वक्ष हर जगह जो होता है वो रूक्ष हो जाते हैं, उधर शुष्क मतलब पतले हो जाने के साथ साथ शरीर में रूक्ष हो जाती है। और शरीर में अब मांस का क्षय होने पर शरीर में थकान होने लगती है, धमनियों में स्थितलता आ जाती है, इंद्रियों में ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। ग्लानि का अर्थ क्या होता है, उनके कार्य में जो होता है मंदता हो जाएगी, वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। संधियों में वेदना होने लगेगी, वेदना इन द सेंस पेन, संधियों में पेन होने लगेगा। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं मांस क्षय लक्षण है। अब हम मांस दोषज विकारों के प्रतिकार को पढ़ेंगे, मतलब अगर वृद्धि हो जाता है तो हमको क्या प्रतिकार करना चाहिए उसकी। तो पहले हम उसको जो होता है संशोधन कराएंगे, वमन आदि कोई भी कर्म ऐसा कराएंगे, लंघन कराएंगे, हम उनको व्यायाम करने के लिए बोलेंगे, दिवस स्वप्न त्याग करने के लिए बोलेंगे, गुरु स्निग्ध मधुर आहार को त्याग करने बोलेंगे, जो भी ऐसा काम है आलस्य त्याग करने को बोलेंगे, उनको फिजिकली एक्टिव होने बोलेंगे, जिससे उनके शरीर में जो वृद्धि किया हुआ मांस है उनका क्षय हो जाए और वो शरीर में वापस उनकी फुर्ती आ जाए। जब मांस की वृद्धि होती है साथ में उसके साथ आलस्य की उत्पन्न होती, कई आदि रोग की उत्पन्न होती है, तो उसको शांत करने के लिए हमको प्रतिकार में हम बताएंगे कि उनको हम क्या क्या करेंगे, वो मैं बता चुकी हूँ। अब हम मांस क्षय के प्रतिकार में क्या करेंगे, अब किसी मनुष्य के शरीर में मांस क्षय के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, उसको हम अच्छे आहार देंगे, उसको जो है स्निग्ध आहार उष्ण आहार, उसको गुरु आहार, उसको मधुर आहार देंगे, उसको जो होता है हम मांस रस का सेवन करने के लिए बोलेंगे, उसको हम लोग व्यायाम अधिक व्यायाम अधिक मैथुन अधिक रास्ता चलना भार ढोना ये सब उसको त्याग करने बोलेंगे, उसको आराम से उसको चिंता शोक भय क्रोध ना करना पड़े, जिससे उसकी जो होता है मांस क्षय हो वो सब त्याग करने बोलेंगे। तो ये सब मांस क्षय के प्रतिकार बताए गए हैं। मांस व श्रोतस के क्या लक्षण बताए गए हैं, मांस वहानाम च श्रोतसाम स्नायु मूलम त्वक्ष। जब हम भारी भोजन करते हैं उसके बाद दिन में सोते हैं जिसके वजह से मांस व श्रोता जो होता है वो दूषित हो जाती है। तो ये मांस व श्रोतस के लक्षण बताए गए हैं। मांस के मल, किसी भी धातु का मल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको उसके मल की जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। तो मांस का मल क्या है, मांस्य खमलो मला, मतलब एस खमल का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं, कर्ण नासिका नेत्र मुख जो भी बाह्य स्थान है जो भी छिद्र है वहां से उत्पन्न होने वाले जो भी मल होते हैं वो मांस के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। जैसे कि मैं प्रीवियसली बता चुकी हूँ सारे धातुओं की उपधातु होती है, उसी प्रकार मांस की भी उपधातु है। मांस की उपधातु होता है वसा और त्वचा, मांसाद वसा त्वचा वच्च। ओके, तो मांस जो होता है शुद्ध मांस का जो स्नेह होता है उसी को हम वसा कहते हैं। ओके, और त्वचा क्या होता है आप तो जानते हैं, त्वचा जो होता है शरीर का मुख्य अंग होता है जिसके द्वारा हमें पांच महाभूत का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार हमने मांस धातु के भी प्रीवियस वीडियोस की तरह सारे डिटेल पॉइंट कवर कर चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्षय वृद्धि, उसके प्रतिकार, उत्पत्ति, पर्याय, संगठन, कर्म, सार पुरुष, एवरीथिंग इज बीन कंप्लीटेड। सो अगर आपको ये चैनल बहुत अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें जिससे उनको भी हेल्प हो। थैंक यू।